कौन है दो बच्चियां जिन्हें सीजीआई ने लिया है गोद? कैसे आई जस्सी चंद्रचूर की जिंदगी में? आपको भावुक कर देगी कहानी। चीफ जस्टिस दीवा चंद्रचूर की पहचान एक ऐसे जज की है जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कोर्ट में भी हंसते मुस्कुराते गंभीर बातें कह जाते हैं। अपने कड़क मिजाज के लिए जाने जाने वाले सीजीआई चंद्रचूर कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि मूल रूप से महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूर ने दो बेटियों को गोद ले रखा है? कौन है दोनों बच्चियां, कैसे सीजीआई की जिंदगी में आई, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, क्या सीजीआई चंद्रचूर ने सुप्रीम कोर्ट में सुधार किया है? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कौन है दो बच्चियां जिन्हें सीजीआई ने लिया है गोद? चीफ जस्टिस दीवा चंद्रचूड़ ने दो बेटियों को गोद ले रखा है। दोनों स्पेशल चाइल्ड हैं। बड़ी बेटी का नाम प्रियंका है जबकि छोटी बेटी का नाम माही है। जस्टिस चंद्रचूड़ जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे तब उन्होंने 2015 में इन दोनों बच्चियों को गोद लिया था। वहां से दोनों बच्चियां सीजीआई के साथ दिल्ली आ गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ काम कर चुके सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमर सरन ने बीबीसी को बताया था कि सीजीआई ने जिन बच्चियों को गोद लिया है उनका परिवार बहुत गरीब था। दोनों बच्चियां मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं। दोनों बच्चियों ने बदला सीजीआई चंद्रचूड़ का नजरिया। द वीक को दिए एक इंटरव्यू में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं, उत्तराखंड में जहां के दोनों बच्चियां रहने वाली हैं, वहां इनके लिए कोई ढंग का स्कूल नहीं था। मैंने इलाहाबाद में घर पर ही इनके पढ़ने की व्यवस्था की थी। दिल्ली आया तो यहाँ तमन्ना नाम का एक खूबसूरत स्कूल मिला और यहाँ इनका दाखिला करा दिया। दोनों बहुत तेज हैं और अपने तेज दिमाग के बूते ही प्रतिष्ठित संस्कृत स्कूल में दाखिला लिया था। जिससे चंद्रचूड़ कहते हैं कि इन दोनों बच्चों के मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरा नजरिया बदल गया है। एक तरीके से दोनों ने मेरे जीवन को सकारात्मकता से भर दिया है। दोनों मेरे फोन में नए गाने डाउनलोड करती रहती हैं और कोर्ट के रास्ते में गाने सुनता हूँ।